उज्जैन जिले के किसानों को फसल बीमा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके इसके प्रयास जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। फसल बीमा में प्रीमियम भुगतान कर भाग लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। योजना का लाभ किसानों तक पहुंचे इसके लिए प्रचार रथ तैयार किया गया है। शनिवार को इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा, जिला स्तरीय कृषि समिति अध्यक्ष अमर सिंह पटेल, उप संचालक कृषि आरपीएस नायक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोहर गिरी, एसडीओ भगवान सिंह, अर्गल फसल बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक भगवान सिंह, बीमा कंपनी के ब्लॉक प्रतिनिधि विश्वास बैरागी, नीरज मालवी आदि लोग मौजूद थे। उप संचालक आरपीएस नायक ने जानकारी दी कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, अतः बीमा कराने के मात्र कुछ दिवस शेष है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2022-23 हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है। वहां जाकर फसल बुआई प्रमाण पत्र एवं हल्के पटवारी की जानकारी संबंधित बैंक में जाकर अद्यतन कराएं। जिला समन्वयक भगवान सिंह ने अऋणी एवं डिफॉल्टर किसान भाइयों से आग्रह किया है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए शीघ्र ही अपने पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक में फॉर्म जमा कराएं ताकि उनकी फसलों का बीमा योजना के तहत हो सके। फसल बीमा करने हेतु अपने साथ बीमा प्रस्ताव पत्र, भू अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बोनी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड में से कोई एक और बैंक पासबुक की फोटोग्राफी आवश्यक रूप से लेकर जाएं ताकि फसलों का बीमा हो सके और किसी भी प्रकार की फसल नुकसानी होने पर उसकी भरपाई हो सके। अपने प्रयास कर रही है कि पूरे जिले में जो है पिछली बार से अधिक अऋणी किसानों का बीमा हो, क्योंकि ऋणी किसानों का बीमा तो ऑलरेडी बैंक से हो ही जाता है ना। तो इस उद्देश्य से जो है 15 दिन प्रचार वाहन जो है पूरे जिले भर में जाएगा, अलग अलग ब्लॉक में और विभिन्न गांवों में विभिन्न तरीकों से किसानों को जो है फसल बीमा के प्रति जागरूक करेंगे और योजना से जुड़ाने के लिए प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में चल रही है, प्रधानमंत्री जी की योजना है। इस योजना के तहत उज्जैन जिले में भी पिछले वर्ष भी लगभग जो है 1,42,000 किसान भाइयों का बीमा किया गया था। और जैसे ये बीमा जो शासन ने जो योजना चालू की है किसान भाइयों को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किसानों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है, क्योंकि हमारा देश टोटल प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है। कई बार आपदाएं आ जाती है, कभी ओला हो जाता है, पाला हो जाता है, कभी अति बारिश हो जाती है, जिससे कई फसलें बर्बाद हो जाती है, जिससे हमारे किसान असहाय रहते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए, किसानों को नुकसान ना हो, उनका जो पैसा लगा है उसकी भरपाई हो जाए उसके लिए, और उनको थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाए ताकि उनका घर परिवार भी चल सके, उस व्यवस्था को करते हुए प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना प्रारंभ की। और उसी के अंतर्गत ये फसल बीमा सप्ताह चल रहा है जो 31 दिसंबर इसका फसल बीमा का आखिरी दिन है, जिसमें 47,000 हेक्टेयर तक, एक हेक्टेयर में 47,000 तक का मुआवजा देने का, और 47,000 हेक्टेयर का 80% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसका आज कृषि विस्तार अधिकारी जो हैं उनके द्वारा और बीमा अधिकारियों के यहाँ पे आज ये एक कृषि वाहन प्रारंभ किया है, जो गांव-गांव जाके ये जानकारी किसानों को देगा ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके।